इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं लिमिट पॉइंट के बारे में। लिमिट पॉइंट क्या होता है, तो किसी भी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट हम कैसे निकालते हैं। तो डेफिनेशन से बात करते हैं कि लिमिट पॉइंट होता क्या है। ठीक है, तो डेफिनेशन होती है हमारी अ रियल नंबर एन। एक रियल नंबर एन इज सेड टू बी अ लिमिट पॉइंट। एक रियल नंबर लिमिट पॉइंट कहलाता है ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर एक्स एन। कोई भी एक सीक्वेंस एक्स एन है, एन बी द लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर एक्स एन फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो xn minus l less than epsilon for any n up to infinity। ठीक है, up to infinity। और रियल नंबर l कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, लिमिट पॉइंट कहलाएगा किसी भी सीक्वेंस का, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन मोड ऑफ xn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एनी n अप टू इंफिनिटी। n कहीं तक भी हो, इंफिनिटी तक भी हम इसमें ले सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इसमें जो सीक्वेंस है आपकी, ये रियल नंबर की सीक्वेंस होनी चाहिए और रियल नंबर की सीक्वेंस होगी और जो लिमिट पॉइंट आपका होगा वो भी रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, और एप्सिलॉन क्या होता है, तो देखो एप्सिलॉन के बारे में बात करते हैं। एप्सिलॉन हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। देखो, कोई भी एक ऐसा नंबर, सपोज दैट ये 0 है यहाँ पर और 0 के बिल्कुल अप्रोक्स पास वाला, ठीक है, सपोज दैट मैं इसके पास लेता हूँ 0.0000 समथिंग, ठीक है, 0001, तो ये जो वैल्यू हो जाती है एप्सिलॉन की हो जाती है। ठीक है, एप्सिलॉन हमेशा पॉजिटिव होता है, क्लियर, इसीलिए ये ग्रेटर देन 0 होता है। एप्सिलॉन ऑलवेज ग्रेटर देन 0, क्लियर। अब बात करते हैं सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होता कैसे है। तो डेफिनेशन से हमने देख लिया है। देखो, डेफिनेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है समझने के लिए, क्योंकि मोस्टली पता नहीं होता कि लिमिट पॉइंट होता क्या है, और हम निकालते रहते हैं कि लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस, लिमिट पॉइंट क्या होगा, इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी क्यों लेते हैं, लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी क्यों लेते हैं, क्या रीज़न है इसका। ठीक है, किसी भी सीक्वेंस के लिए, सपोज दैट एक्स एन कोई सीक्वेंस है तो उसका हम लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी की बात करते हैं डायरेक्टली, तो वही इस डेफिनेशन से हम समझें कि अप टू इन्फिनिटी क्यों जाता है। ठीक है, एल कोई भी लिमिट पॉइंट है किसी भी सीक्वेंस एक्सन का, और उसमें हम बोल रहे हैं कि एप्सिलॉन हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देन मोड ऑफ एक्सन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। तो जो एक्सन माइनस एल का मोड होगा वो एप्सिलॉन से लेस देन होगा फॉर एवरी एन अप टू इन्फिनिटी, एन आप कहीं तक भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। देखो, एक्सन हमारे पास एक सीक्वेंस है, तो अगर इसे हम ओपन करते हैं क्या जाता है, x1 x2 x3 x4 x5 एंड अप सो ऑन xn, ठीक है, xn+1 अप टू इंफिनिटी तक चला जाएगा। क्लियर दैट, ये जो सीक्वेंस है हमारी ये इंफिनिटी तक जा रही है। क्लियर, अब देख लीजिए आप यहां से कि किस तरीके से हम n टेंड्स टू इंफिनिटी लेते हैं। कोई सा भी नंबर ले लीजिए आप, सपोज दैट आप xn की जगह x1 भी ले सकते हो, x2 ले सकते हो, x3 x4 एंड अप टू इंफिनिटी तक कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। क्लियर, तो मोड ऑफ xn माइनस l, सपोज दैट l बी द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सीक्वेंस, तो l इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है, तो कोई सा भी आप नंबर ले x1 x2 x3 वो हमेशा एप्सिलॉन से छोटा ही होगा, तभी हम कहेंगे कि देन वी कैन से दैट L be a limit point of the sequence xn। ठीक है, इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि L लिमिट पॉइंट होगा सीक्वेंस का। कब, कि कोई सा भी आप xn का, xn कोई भी सीक्वेंस है उसका कोई सा भी आप नंबर उठा लीजिए, सपोज दैट आप x5 ही उठा लीजिए, कोई सा भी ले सकते हैं x5 का, और उसमें से अगर हम लिमिट पॉइंट सब्ट्रैक्ट करें वो भी एप्सिलॉन से लेस देन ही आएगा, तो आप यहाँ इन्फिनिटी भी रख सकते हैं। तो इसीलिए हम डायरेक्टली एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्सन चेक करके देखते हैं कि हमारी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या आने वाला है। ठीक है, तो उस
कि अकॉर्डिंग आप अगर इस कंडीशन में लिमिट पॉइंट को डेफिनेशन में सेट करके देखें तो हमेशा आपको वो एप्साइलन के से लेस देन ही मिलेगा। कोई सा भी नंबर ले सकते हैं पूरी सीक्वेंस में, ठीक है। तो ये हो जाती है डेफिनेशन ऑफ द लिमिट पॉइंट।